दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, कोई चीज़ मिले या ना मिले, चाय ज़रूर मिल जाएगी। जो चीज़ कभी इंडिया को पता भी नहीं थी, आज वही चीज़ इंडिया के हर घर का पार्ट बन गई है। चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन चाय में कैफीन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर हमारी थकान दूर करता है और हमें ताजगी महसूस कराता है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए असर करता है। जैसे ही इंसान का एनर्जी लेवल कम होने लगता है वो फिर चाय पीता है और ऐसे करते करते न जाने दिन में कितनी बार वो चाय ले लेता है और धीरे धीरे चाय पीना उसकी आदत बन जाती है। फिर चाय के बिना वो काम ही नहीं कर पाता। हमें एक दो कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि चाय से हमें क्या नुकसान होते हैं। नंबर एक, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चाय हिंदुस्तानियों के लिए बनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म ही रहता है और चाय हमारे अंदर गर्मी को और बढ़ा देती है। हमारे जैसे गर्म देश में रहने वाले लोगों के पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है जो चाय पीने से और बढ़ जाती है। नंबर दो, चाय हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो करती है। अगर खाना ठीक से हजम ही ना हो तो पेट में गैस, जलन और भारीपन से पूरा दिन खराब हो जाता है। नंबर तीन, चाय खाने से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स को बॉडी में पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं होने देती, जिससे हमारे अंदर कमजोरी और थकान रहती है। नंबर चार, चाय पीने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और कंधों का दर्द जैसे रोग होते हैं। नंबर पाँच, चाय हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को भी दावत देती है। नंबर छः, चाय पीने से भूख मर जाती है। कुछ लोग वेट लॉस के लिए चाय पीते हैं ताकि उनको भूख न लगे और उनको फिर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर सात, चाय ज़्यादा पीने से अच्छी नींद नहीं आती। हम अपना काम पूरा करने के लिए बार बार चाय पीते हैं ताकि नींद न आए। ऐसा करने से डिप्रेशन का शिकार बनते हैं और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। नंबर आठ, चाय पीने से याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। नंबर नौ, चाय पीने से किडनी खराब होने का भी खतरा है। नंबर दस, ज़्यादा चाय पीने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। नंबर ग्यारह, जिन लोगों में खून की कमी होती है, स्पेशली लेडीज, इन्हें तो चाय से दूर ही रहना चाहिए। चाय को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट है। अगर आप सोचोगे कि चाय नहीं छोड़ी जा सकती तो आप कभी भी चाय नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन अगर इसे छोड़ने की ठान लोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। चाय को आप एकदम से नहीं छोड़ सकते तो आपको क्या करना है, चाय की जगह आपको ग्रीन टी लेना है। ग्रीन टी के बहुत ही बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाय नहीं छोड़ पा रहे तो चाय की क्वांटिटी को कम कर दें। अगर आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो 4 कप की जगह आप 2 कप चाय पिएं और इस तरह धीरे धीरे चाय को छोड़ने की कोशिश करें। चाय पीने के बाद पानी पिएं, जिससे आपको एसिडिटी नहीं होगी, साथ ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। चाय पीने से हमें इतने सारे नुकसान होते हैं तो आज से ही चाय छोड़ने की ठान लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।